कुछ लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जमाने को ही बदल देते हैं। नमस्कार, जस्ट हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान गीत उदय सैनी, तह दिल से स्वागत करती हूं हमारी बेहद खास पेशकश वी द वुमेन, साहस और सम्मान की कहानी में। जी हां दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम जो देश की तमाम महिलाओं को समर्पित करता है। शुरुआत में मैंने जिस तरीके से कहा कि कुछ लोग होते हैं जो जमाने के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमाने को ही बदलने की जद में फिलहाल जुटे हुए हैं, आज ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ भी बनी हुई है हमारे इस खास प्रोग्राम। जी हाँ, महिलाओं की जब बात आ जाती है तो महिला अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति होती हैं जो देश से, समाज के चेहरे पर जो लगी हुई कालिक होती है ना, वो उसे पहुंचने की ताकत रखती हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात क्योंकि हम कर रहे हैं कि आज जमाने को बदलना है और इसकी जद में महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में जुटी हुई हैं कि जमाने को किस तरीके से बदलना है। क्योंकि बात जब हम पर्यावरण की करते हैं ना, तो पर्यावरण की एक बात आती है कि सरकार जो है आज भारत में भारत स्वच्छ अभियान चलाए हुए है, लेकिन ये मिशन तो तभी सफल होगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। सोच को बदलना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो इसी सोच को बदलने की जद में जुटी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, आखिर वो हैं कौन। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। इस ग्रह का भविष्य भी महिलाओं पर ही निर्भर है। तो हमारी आज की खास मेहमान अनुपमा राज भी इसी की एक बानगी है, जो बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश में जुटी हुई है। अनुपमा राज जो पेशे से एक प्रोफेशनल एडवोकेट है, पर इसके साथ साथ वो पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का मकसद भी इसके साथ ही लेकर चल रही है। चंडीगढ़ में जन्मी पली बड़ी अनुपमा जी बचपन से ही नेचर लवर रही है, पर आजकल दूषित होते पर्यावरण को लेकर वो उतनी ही ज्यादा गंभीर भी हैं। यही वजह है कि प्रकृति से बेहद लगाव रखने वाली अनुपमा राज ने इस गंभीर होती समस्या को दूर करने की ठानी और निकल पड़ी इस सफर पर। इंडिविजुअली उन्होंने इसकी शुरुआत की, पर समय के साथ साथ आज ये दायरा बढ़ रहा है, जिसमें उनके साथ कुछ लोग भी शामिल हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी समस्याओं का निवारण अकेले सरकार ही क्यों करे, जितना दायित्व उनका बनता है उतना दायित्व हमारा भी बनता है कि आज हम अपने दूषित होते पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। आज उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है पर्यावरण को बचाना, उसे सुरक्षित करना, ताकि आने वाली पीढ़ी कहीं से वंचित ना रह जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनुपमा राज के सराहनीय कदम से लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। एडवोकेट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनवायरमेंटलिस्ट अनुपमा राज, जिनकी छोटी सी झलक तो आपने देख ही ली कि आखिर वो है कौन, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं कि आखिर में अनुपमा राज है कौन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम वी द वुमेन में, जस्ट हिंदी में। शुक्रिया जी। अनुपमा राज को हमने देख लिया, जान लिया, दर्शकों ने भी देखा कि कौन है अनुपमा राज, जिसकी छोटी सी झलक हमने दर्शकों को दिखा दी। लेकिन मैं भी यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि अनुपमा राज जो एक एडवोकेट है और सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनवायरमेंटलिस्ट है, असल में अनुपमा राज है कैसी, बचपन से कैसी थी वो? अनुपमा राज हैज ऑलवेज बीन कॉन्शियस अबाउट अ नेचर लवर, हमेशा से ही पौधों से प्यार करती थी। बचपन में चिड़ियों का बहुत शौक था, चिड़ियाँ रखने का। तो जर्नली मैं अपने ओपन वरांडे होते थे उस समय, तो हम वहाँ पे बैठ के चिड़ियों के साथ उन्हें खाना डालना एंड यू नो, तो हम अपने घर के बाहर के गार्डन में हमेशा यू नो पौधों को देखना, हमेशा उनको पानी देना, खाद देना। सो वो बचपन से ही था, बट यू कैन से समय के साथ हर काम करते करते कुछ साल पहले मेरे बेटे को एक्चुअली एक स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो यू नो उसके साथ मदद करते करते ना थोड़ा ध्यान पर्यावरण की तरफ दिया और दिखाई दिया कि आसपास
सब कुछ खराब हो रहा है. Exactly. तो जो हमने अपने बचपन में देखा था वो हम दिखा ही नहीं रहे हैं अपने बच्चों को. बिल्कुल. तो वहाँ से जस्ट स्टार्ट मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई और वहाँ से देखना शुरू किया एंड वहीं से आई स्टार्टेड यू नो टॉकिंग टू पीपल कि क्या बदलाव ला सकते हैं, कहाँ खराबी आ गई है, क्या हो क्या गया है, इतना सब कुछ सब तरफ से खराब क्यों हो रहा है. बस वहीं से जद्दोजहद जिस तरीके से हमने देखा यू यूज टू ट्रैवल अलॉट, आपने बहुत ट्रैवलिंग की है आसपास. अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी आपने देखा नो डाउट कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे जिस तरीके से साफ सफाई सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेनेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है जो कि इंडिया में नहीं है. हालांकि चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती हैं लेकिन उन्हें मेंटेन नहीं किया जाता है, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है. तो क्या आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन जो है वहीं से मिली कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो इंडिया को ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी ही जब हमारे ही हिंदुस्तान के लोग बाहर जाते हैं, नॉट ओनली यूरोप और नो जब हम एशियन कंट्रीज में भी बाहर जाते हैं वो लोग वहाँ पे कितने कॉन्शियस हो जाते हैं. वो लोग सड़क पे जाते जाते गाड़ी से कचरा नहीं फेंकते हैं. हम यहाँ पे आके बताते हैं कि मलेशिया में अगर आप गाड़ी से कचरा फेंक दो तो आपको फाइन हो जाता है, बट हम जब वही लोग जब इंडिया में आते हैं तो वो यू नो वो आदत शुरू हो जाती है. और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जबकि NRIs जो कि बाहर उन्हें रहते हुए 10-15 साल हो गए हैं उनके पास, यू नो दे कम फ्रॉम दोज कंट्रीज एंड देन दे लिटर आर ओन कंट्री, हमारे देश में आके वो गन डालना शुरू कर देते हैं. तो मुझे वो सबसे ज़्यादा अजीब लगता है कि हम जस्ट बिकॉज वहाँ पे रूल्स हैं, वहाँ पे पेनल्टीज हैं तो हम वहाँ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं. एंड इंस्टेड ऑफ कि वो यहाँ पे आके यहाँ पे लोगों को सिखाएं, वो वापस से वैसे ही करने लगते हैं. तो दैट ऑल एंड मोर ओवर चंडीगढ़ हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटी ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर शहर रहा है हमारा. एंड आई हैपन टू हैव लिव्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर एंड दैट टू 20 इयर्स बैक व्हेन दे वर आल्सो स्टिल मच बेटर देन आज जो हैं उससे. तो जब चंडीगढ़ वापस आना हुआ 10 साल पहले तो मुझे लगा कि यस थिंग्स नीड टू बी डन. अप्रोच फिर किस तरीके से आपने किया? आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस क्लिनलीनेस ड्राइव्स, वेरियस प्लांटेशन एंड ऑल, बट उससे मुझे लगा नहीं कि कोई फर्क पड़ता है. हर बार क्लिनलीनेस करवाओ और 5 मिनट के बाद लोग वहीं पे कचरा डालना शुरू कर देते हैं. अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में स्ट्राइक किया कचरा उठाने वाला. चंडीगढ़ जैसे शहर में लुधियाना और यू नो उन शहरों की तरह हर जगह पे कचरा दिखने लग गया. बहुत बड़ी लर्निंग थी एक्चुअली फॉर एवरीबडी. उससे पहले हम ये चीज़ें बहुत पहले से डिस्कस कर रहे थे. गवर्नमेंट इतने सारे प्लान्स बनाते जा रही है, प्लास्टिक नो प्लास्टिक नो पॉली बैग, बट कोई कुछ उसका इफेक्टिव हो नहीं रहा है. सो जो मुझे समझ में आया वो ये था कि हमें बड़ों को हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हमें बच्चों को समझाना शुरू करना चाहिए. सो बच्चों को अगर हम ट्रेन करना शुरू कर दें सफाई के बारे में, उन्हें समझाना शुरू कर दें, वो अपने बड़ों को समझा यू नो वो मना जब करेंगे तो शायद वो बड़ों को ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक जिस तरीके से आपने बताया कि आपके बेटे का एक प्रोजेक्ट था उसके साथ आप जुड़ी हैं, धीरे धीरे आपको भी लगा कि अब दायरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, आसपास के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब तक किस तरीके का सपोर्ट रहा है आपको बाकी लोगों से जिसके साथ जिनके साथ आप जुड़ने की आपने कोशिश भी की, फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो? बच्चे तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, वो आप जो आप समझाना चाहते हैं सुनते हैं और स्प्रेड भी करते हैं उस मैसेज को. बट तंगी वहाँ से आती है जहाँ से सच में ये इफेक्टिविटी आनी है एंड दैट इज़ आर क्लीनिंग द क्लीनर्स जो कि सफाई वाले लोग हैं, वहाँ से तंगी आती है. वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं. दिक्कत कहाँ लगती है? दिक्कत वही है क्योंकि जिस तरीके से सुनना नहीं चाहते हैं. उन्हें अगर समझाने की कोशिश करो कि क्यों सफाई करनी है, कि आपका काम है सफाई ठीक है बट उसको क्यों करना है साफ, उनको आपको अपने लिए भी सफाई रखनी है, वो वहाँ पे तंगी आती है. उस वहाँ पे उनको समझाने की जरूरत है एक्चुअली. तो एक बड़ी अच्छी चीज मैंने एक अनदर पर्सन हुज आई मीन हुज इनटू दिस काइंड ऑफ वर्क ओनली, वो हैं गुड़गांव से हैं मिस्टर मनीषा,
उनसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें एक्चुअली हिंदुस्तान में जो करना है वो है कि जो सबसे ये जो क्लीनिंग स्टाफ है इसका थोड़ा सा इनका इनको ऊपर लेके आना है, मतलब इनकी ट्रेनिंग और इनकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्ट देना है, बिकॉज इनकी रिस्पेक्ट नहीं है इसलिए वो किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता कि आज जो हम सोसाइटी को देश को क्लीन करने की बात करते हैं सबसे पहले क्लीन तो अपना माइंड करना होगा क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी होगी। एब्सोल्युटली, सबसे पहले तो हमें हम लोगों को ये समझना है कि क्यों क्लीनलीनेस चाहिए, क्यों सफाई चाहिए और ये कि जो सफाई करने वाला है वो सबसे लो कैटेगरी का इंसान नहीं है, वो एक्चुअली हर कोई है, एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है इन द एंड, एक इंडिविजुअल है। आप इंडिविजुअली अब तक ये सब कुछ संभालती आ रही हैं या आप किसी संस्था के साथ भी जुड़ी? नहीं, मैं हर उस संस्था के साथ काम करती हूँ जो कि इस के लिए काम कर रहा है, वो युव सत्ता है, देर आर अनदर एनवायरमेंटल यू नो एनजीओज इन चंडीगढ़, सो मैं कोई भी मुझे इवेंट पता चलता है, कुछ भी पता चलता है तो मैं उसके साथ काम करती हूँ। अगर मुझे कोई इवेंट पता चलता है, जैसे कि अभी ऑर्गेनिक मेला फेस्टिवल था, वुमेन फेस्टिवल देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड, सो आई डायरेक्टर एनवायरमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन दीज थिंग्स, सो आई जनरली गो एंड यू नो आई गो आउट, आई रीच आउट टू हिम एंड आई मैं उन्हें बताती रहती हूँ कि इस तरह का कुछ हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे आप ये सब कुछ करवा दीजिए कि यहाँ से प्लास्टिक का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मेला है बट प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, तो उस चीज़ को देखिए। जैसे रोज गार्डन में वी आर ट्राइंग कि हम वहाँ पे जो इस बारी रोज फेस्टिवल होगा वहाँ पे हम जो स्टॉल्स हैं वो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, तो उसके लिए वी आर ट्राइंग। देन आई मीन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है दैट सून देयर विल बी वेंडिंग मशीन्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जगह जगह पे वेंडिंग मशीन्स होंगी जहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स आप जाके डालेंगे तो आपको कोई टोकन और समथिंग यू विल गेट। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जी, ये बड़ी खुशी होती है कि चंडीगढ़ जैसे जो शहर में हम लोग रह रहे हैं जो ब्यूटीफुल पहले से ही है, लेकिन जब हम ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं तो तस्वीर धुंधली ही नज़र आती है क्योंकि तस्वीर कुछ और ही बयां करती हुई नज़र आती है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित है और उसका जो दायरा है वो बढ़ता नहीं है। कई बड़ी पर्सनालिटीज़ भी आती हैं उस मिशन के साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं, लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश करती हैं मैसेज, लेकिन ऐसा सब कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि धरातल पर रहकर जब हम ऑन ग्राउंड पर देखते हैं ना तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपने इस तरीके से अप्रोच किया, इंडिविजुअली आपने अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत की और आपके घर को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक को आपने रीयूज़ किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। सीरियसली में एक इंस्पिरेशन मिलती है कि कई लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते नहीं, लेकिन आपने बखूबी इस चीज़ को अपने घर से ही इम्प्लीमेंट जो किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लोगों से आपने बात की ग्राउंड लेवल पर रहकर, लोगों से जब आप बात करती हैं पर्यावरण को लेकर तो किस तरीके की बातें उनकी ओर से निकलकर सामने आती हैं, क्या वो सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? एक बात जो हर इंसान नो जवाब देता है मुझे वो ये है कि एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा, सबको करना होगा। सो नहीं, वो मेरे करने से क्या होगा, सो उसका जवाब देना पड़ता है कि एक एक करके ही गिनती बढ़ेगी। बिल्कुल, तो इंडिविजुअली अनुपमा जी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन ऐसी जो पहल है, ऐसा जो इनिशिएटिव है, हम सबको लेना होगा तभी हम भारत को सही मायनों में स्वच्छ भारत बना सकते हैं। फिलहाल वी द वुमेन की इस कड़ी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा जस हिंदी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं वी द वुमेन, साहस और सम्मान की कहानी, और आज मेरे साथ जो शख्स से जुड़ी हुई हैं अनुपमा जी जो नेचर लवर हैं लेकिन क्योंकि पेशे से वो वकील भी हैं और इसकी प्रैक्टिस भी वो करती रहती हैं लेकिन साथ में वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। यहाँ पर सबसे खास बात जो है अनुपमा जी, आपने अगर कभी गौर की हो कि हम इंडियंस घर में हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, हम लोग जिनकी हम पूजा करते हैं वो सभी पौधे हम लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहीं तक ही सीमित रहती हैं, कभी बाहर नहीं निकलती हैं ना, क्योंकि हम घर को क्लीन बनाना रखना चाहते हैं लेकिन ऐसा बाहर नहीं। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात यही है शिक्षा में जो हमें ना इंट्रोड्यूस करनी है बच्चों को, जो सिखाना है वो सबसे बड़ा यही है कि सफाई सिर्फ घर की नहीं, शहर की और देश की भी रखनी है।
वही हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा एक गैप हो गया है ना, कि हम मॉरल वैल्यूज़ में क्लिनलीनेस भूल गए हैं। हमारे वक्त में एक बहुत अच्छा काम होता था हमारे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और हमारे समय में सरकारी स्कूल सबसे अच्छे होते सबसे थे अच्छे स्कूल हुआ और उस समय में हमारे प्रिंसिपल ने बड़ा एक अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि जो बच्चा लेट आएगा वो बच्चा गार्डन और स्कूल की सफाई करेगा। सो वेरी गुड थिंग, बच्चों को एक आदत पड़ती है कि हाँ स्कूल साफ करना मतलब जिम्मेवारी है हमारी, विच आई थिंक आज के दौर पे वो हम हटा दिया, हमने वो बुला दिया। आजकल के बच्चे, आजकल के पेरेंट्स ही प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं अगर हम बच्चों को अगर स्कूल्स में इस तरह का काम करने को कहा जाए। CBSE ने एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है, आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट इट। दे हैव सेड कि एवरी ईयर एवरी चाइल्ड हैज़ टू डू 12 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस, विच इज़ आई थिंक सबसे अच्छी बात है जो कि हम वेस्ट से यहाँ पे हमारी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। आई होप एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़ सर्टिफिकेट लेने के पीछे ना भागें और बच्चों को सच में कम्युनिटी सर्विस सिखाएं। वो सबसे बड़ी चीज़ है एंड सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में आई है। आई थिंक बहुत बड़ा बदलाव जो है आज हम देख रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि जब हम कंपेयर करें, क्योंकि आपने पुराने टाइम की जब बात की, अपने टाइम की बात की, अगर इससे भी हम बहुत पुरानी बात करें, बहुत फ्लैशबैक में चले जाएं, पर्यावरण तब साफ स्वच्छ हुआ करता था, लेकिन आज जितना उसे मॉडर्न करने की जद में हम लोग जुटे हुए हैं, उतने ही ज़्यादा हम इन चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लूपहोल्स कहाँ पे हैं और किस चीज़ को आज हमें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्यावरण भी वैसा रहे और हम लोग समय के साथ साथ बदले भी, मॉडर्न भी हों, जिस तरीके से विदेशों में ऐसा होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सोच को बदलने की है और इस चीज़ को समझने की है कि क्यों ज़रूरी है ये सब। सो ज़रूरी इसलिए है बिकॉज हमें यहाँ पे रहना है, हम यहाँ रहते हैं और हमारे आने वाली जनरेशन्स को यहाँ रहना है। उस सोच को समझना ज़रूरी है कि क्यों आज के दिन में इंडिया में इतने सारे केसेस हो रहे हैं कैंसर्स के, क्यों इतनी सारी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ये सोच के साथ जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारा देश कुछ लोगों के करने से साफ नहीं हो सकता। बिकॉज हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कचरा डालने वाले ज़्यादा और कचरा उठाने वाले कम हैं। सो हमें हर इंसान को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कचरा सबसे पहले तो कम प्रोड्यूस करें। सो वो जो 5 आवर्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल एंड फोर आवर्स दे आर रियली इम्पोर्टेंट कि हम कम से कम कचरा पैदा करें और जितनी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने जिस तरीके से वो इंसिडेंस बताया था कि आपने आपके बच्चे का, आपके बेटे का एक प्रोजेक्ट था जिससे आपने ये इनिशिएटिव लेने की सोची, तो आपने जो फर्स्ट स्टेप था किस तरीके से आपने वो उठाया था, क्या उसकी शुरुआत आपके घर से ही हुई? बिल्कुल, सबसे पहला तो था प्लास्टिक को रीयूज करना। सो एवरी प्लास्टिक पैकेजिंग, आपने किस तरीके से उन चीज़ों को रीयूज किया? जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग आती है मेरे घर में, वो या तो हमारे वार्डरोब्स में उसको ऑर्गेनाइजर्स एज एन ऑर्गेनाइजर दैट इज बीइंग यूज्ड। वो आजकल हर चीज़ प्लास्टिक के डब्बों में आती है, तो उनमें आप छोटी छोटी अपनी इंस्टेंट ये बाजार से भागे चले जाते हैं हम लोग कि हमें ये डब्बी चाहिए, इसमें हमने चाबियाँ रखनी है, ये चाहिए, इसमें हमने कॉस्मेटिक्स रखने हैं। सो वो सब खरीदने के बजाय आप वो सब चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया, देन पौधे लगाने शुरू कर दिए, विच वॉज़ वेरी गुड। मतलब वो तो अब यहाँ तक कि पौधे लगाने का तो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि हमारे घर में सबको पता है कि कोई कांच का बर्तन भी टूटा तो उसमें भी पौधा लग जाएगा या कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। एंड देन वाटर, डेफिनेटली आई मीन वाटर चंडीगढ़ में तो वैसे ही हमेशा से स्केर्स रहा है। चंडीगढ़ में तो सुबह, आई मीन 35 ईयर्स आई कैन से दैट सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ही पानी आता है और सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ वैल्यू जानता है पानी की, आई सपोज। तो पानी की सबसे ज़्यादा लोगों को सिखाना कि पानी पब्लिक प्लेसेस में बंद करो, घर में लीकेज मत करो, लोग भरते हैं, सुबह भरते हैं, शाम को फेंक देते हैं, वो सब चीज़ें सिखाना। तो आई ट्राई टू मेक श्योर हुएवर आई मेट, चाहे वो किसी के घर में जाती हूँ, कहीं पे भी हूँ, किसी भी लोकेशन पे हूँ, तो मैं लोगों से इस बारे में बात करते हैं फिर उन चीजों को, लोग जब आपके घर पे भी जाते हैं या रोड पर मिलते हैं। नो, आई बिलीव कि अगर मैंने 50 लोगों को बोला तो उसमें से 5 लोग ही करेंगे अमल। सेल्स का फंडा है ये,
पांच परसेंट आपको 1% मिलेगा. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. लेकिन हो सकता है कि उन पांच लोगों में से कोई एक जो होगा जो बाकी दूसरों में उस मैसेज को स्प्रेड करेगा. वो पांच लोग और पांच लोगों को बताएंगे. वो ये इसी तरह कड़ी चलेगी. अगर आपने पांच लोग बना दिए अपने ना, एक महीने में पांच लोग अपने खड़े कर दिए तो होगा, स्प्रेड आउट होगा. फिलहाल अब आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद चंडीगढ़ को साफ करना है. और चंडीगढ़ में जो अब जो गंदगी हर जगह दिखाई देने लगी है, आई वॉन्ट कि चंडीगढ़ एक मॉडल सिटी बने सारे देश के लिए, ना कि बाकी शहरों का गंद भी यहाँ पे हम लोग भी उसी को फॉलो करने लग जाएं. मेरी ये सच में बहुत बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेली हूँ, बहुत सारे लोग इस काम में जुटे हुए हैं. और हम सब सिर्फ एक ही सपना लेके चल रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ को वापस वैसा ही बनाना है जैसा कि चंडीगढ़, जिस तरह से जो आइडिया कंसीव करके चंडीगढ़ बनाया गया था. अभी तक किसी तरीके की कोई चुनौतियाँ, किस तरीके की कोई हर्डल्स इस दौरान आए हों? चुनौतियाँ अगेन वही है कि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल काम है. लोग वही कचरा भी डालेंगे, पानी भी वेस्ट करेंगे, बट यस पीपल आर रिसेप्टिव ऑल्सो. लाइक अगर मैं लेक पे चल रही, वॉक कर रही हूँ एंड आई सी कि वहाँ पे कोई टैप लीक कर रही है, तो मैं जाके अगर वहाँ पे कंप्लेन करती हूँ, सुनते हैं. नो देर इज अ पुलिस काउंटर पे जाके आप कंप्लेन कर दीजिए, आप उन्हें बता दीजिए, इमीडिएटली एक्शन होता है. आई वॉज ट्रैवलिंग बाई अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में जा रही थी अम्बाला चंडीगढ़ टू दिल्ली, अम्बाला स्टेशन पे पानी बह रहा था. आई कॉल्ड द स्टेशन मास्टर्स, आई हैपन टू हैव द स्टेशन मास्टर्स नंबर, मैंने उन्हें कॉल किया, इमीडिएटली ही टुक एक्शन. आई मीन दिस थिंग्स आर पीपल डू टेक केयर, अगर आप उन्हें बताएंगे तो, बिकॉज वो हर जगह नहीं है. अथॉरिटीज जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो अगर पब्लिक को कहीं पे कुछ दिख रहा है और वो बताते हैं तो अथॉरिटीज एक्शन लेते हैं. आई जस्ट विश के ओवरऑल इंडिया में इस तरीके के, जिस तरीके के एक्शन सिर्फ यहाँ लिए जाते हैं, इस तरीके के एक्शन बाकी स्टेट्स में भी लिए जाएं, तो डेफिनेटली विल रीच वन डे एग्जैक्ट कि हम लोग इंडिया को जिस तरीके, जिस प्रारूप में उसे देखना चाहते हैं, जिस तरीके की उम्मीद आज हम पाले हुए हैं कि जिस तरीके से विदेशों में ऐसा होता है, वैसा ही हमें आज इंडिया में भी चाहिए, तो वो चीज़ें जो ज़रूर होंगी. ये तो हो गया आपकी एक पर्सनालिटी का एक पहलू कि यू आर अ प्रो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्वायरमेंटलिस्ट और पर्यावरण से जिस तरीके का आपको लगाव है, क्योंकि आप प्रोफेशनल एडवोकेट भी हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करती हैं, तो दोनों को किस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस रखती हैं? आई थिंक बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज एक एडवोकेट के लिए सबसे आसान होता है, बिकॉज एडवोकेट की आदत होती है अपना काम को. एडवोकेसी इज नथिंग बट सेइंग दैट दिस इज राइट. Okay. You know? So I think that is why it comes very naturally. Because it gels with my professional habit of proclaiming that you know, proclaiming a thought or a belief ki haan ye sahi hai. So I think ye dono bahut compliment karte hain ek dusre ko. That ways main logo ko aur zyada acche se prabhavit kar pati hu ya bata pati hu ki nahi ye sahi hai. So for me mere liye dono bahut acche kaam kar rahe hain. ओके अच्छी बात है कि आपने दोनों चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसे बैलेंस किया हुआ है. एंड वी जस्ट विश कि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से उन चीज़ों को बैलेंस करके रखें. वी द वुमेन हमारा, क्योंकि अनुपमा जी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ मुद्दे उठाते हैं महिलाओं से जुड़े हुए और उसको लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम की आप मेरी खास शख्सियत बनी हुई हैं, गेस्ट बनी हुई हैं. आज जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तमाम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, खैर हम उन मुद्दों को तो उठाएंगे ही, आपकी भी जो आपके थॉट हैं उनको लेकर उस वो भी जानेंगे. लेकिन आज अगर हम बात करें कि आज चौक चौराहों हर गली मोहल्लों में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, आपका इसको लेकर किस तरीके का नज़रिया है? पर्सनली आई रियली फील इन, आई बिलीव इन इक्वालिटी. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आना चाहिए. बहुत सारी जगहों पे इस शब्द का मतलब भी बहुत ही वेग हो जाता है, बहुत ही अलग हो जाता है. बट स्टिल अगर हम नो अगर हम बात करें गाँव में रह रही या पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग नहीं बट पिछड़े हुए लोग जो कि अभी या कह दीजिए उनका एक्सपोजर टूवर्ड्स एजुकेशन और एक्सपोजर टूवर्ड्स न्यूअर आइडियाज़ उतना नहीं है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस उन्हें थोड़ा दबाया जाता होगा या
बट अदरवाइज ये बहुत ही इंडिविजुअल और फैमिली की अपनी यू नो यू कैन से कि उनका अपना तरीका है यू नो ऑब्वियसली आई मीन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दूसरे इंसान को या दूसरे किसी को भी दबाना तो हमेशा ही गलत होता है नो अगर आप फैमिली में परिवार में हमेशा इट शुड बी इक्वल दोनों के सबके एक दूसरे के साथ मिलके ही आगे चलती है गाड़ी नो अकेले तो कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता सो सेम इज़ द फैमिली मैटर वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक रियली इट्स अ वेरी वीक टर्म आई पर्सनली फील वुमेन without this terminology also women can be women themselves can really you know they can bahut kuch sikha hai bahut kuch aage badh gaye hain aur himmat rakhte hain zaruri nahi hai ki aaj hum is definition ko lekar hi mahilaon ko sashakt karne ki koshish kare is definition ke bina bhi aur zaruri nahi ki is par hum hamesha hi baat kare kyunki mujhe aise lagta hai ki is wajah se rather aap alag kar rahe hain dono do log किसी को इस चीज की जरूरत नहीं है जिसको मतलब अपना मैं समझ गई आपकी बनाइए और करिए ना अपने आप को कम मत समझिए कि आपको एम्पावरमेंट कहीं और से चाहिए है ना दिस इज व्हाट आई मीन कि कहीं और से बाहर से एम्पावरमेंट नहीं आती है एम्पावरमेंट अपनी खुद की होती है सो डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ बाहर से आपको कोई लॉज आपको एम्पावर करेंगे या आपको कोई और आके एम्पावर करेगा यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू हैव बीन गिवन बर्थ बाय द गॉड एंड यू आर एम्पावर्ड इन योरसेल्फ विमेन एम्पावरमेंट को लेकर इन मैम का क्या नज़रिया था अनुपमा जी का क्या नज़रिया था वो आपने जाना कुछ और भी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनका नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि वक्त तो चला एक थोड़े से ब्रेक का हम जल्द लौटेंगे चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं वी द विमेन साहस और सम्मान की कहानी में अनुपमा जी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं और सवाल जवाब भी हमारे लगातार जारी है चलिए कुछ और बातें उनसे पूछते हैं महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की कि आखिर उन पर उनका क्या विचार है किस तरीके का नजरिया किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू वो इन बातों को लेकर रखती हैं इससे पहले क्योंकि हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी मैं बात अपने गेस्ट से करती हूँ अब तक मैं करती हूँ कि मुझे हर बार एक अलग ही आंसर मिला है और वो सभी जितने भी आंसर होते हैं वो इतने अच्छे आंसर होते हैं कि उन सबका जो नज़रिया होता है ना वो एक अलग होता है यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम कि आपका नज़रिया भी टोटली डिफरेंट है कि क्योंकि मैं भी ये चीज़ समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो आज डेफिनेशन दी जाती है हर जगह डिबेट्स में चौक चौराहों पर वो डेफिनेशन देने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिलाएँ अपने आप में सशक्त हैं और जब एक बच्ची पैदा होती है ना तो वो तभी से एक सशक्त कहलाई जाती है खैर यहाँ पर क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जब महिलाओं के नेतृत्व की बात आ जाती है अनुपमा जी क्योंकि शुरू से ही हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा गया है मेल डोमिनेंट सोसाइटी और ऐसा रहा है कि उनका वर्चस्व जो है उनका जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा महिलाओं पर रहा है आपका इसको लेकर क्या थॉट है और आपको इस बारे में भी क्या लगता है क्योंकि महिलाओं को विकास की धुरी कहा जाता है तो उनके बिना ये जो विकास है क्या वाकई अधूरा है और जो जागरूकता लाने की आज हम बात कर रहे हैं क्या वो जागरूकता महिलाओं के बिना लाई जा सकती है नहीं बिल्कुल भी नहीं देखिए महिला और पुरुष दोनों ना सोसाइटी को पूरा फॉर्म करते हैं कोई भी एक को पीछे छोड़ के कभी भी कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है सो अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें दोनों को साथ में लेके चलना होगा और अगर हम देश को पुरुष और महिला दो वर्गों में हमें डिवाइड कर रहे हैं तो किसी भी जाति के दोनों लोगों को साथ में लेके ही देश का प्रोग्रेस है अदरवाइज एक को पीछे छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते सो एम्पावरमेंट शुड बी ऑन द होल एम्पावरिंग पीपल इट शुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि किसको नॉट कि खाली महिला को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है बहुत सारी जगह बहुत हमें ओवरऑल लोगों की देखनी है कि हाँ कहाँ कौन सी जाति पिछड़ी रह गई है किसे ज़्यादा आगे लाने की ज़रूरत है किसे एजुकेशन की ज़रूरत है और किन्हें सूझबूझ देने की और ट्रेनिंग देने की किसी भी फील्ड में ज़रूरत है हमें उसका ओवरऑल सोचना चाहिए नॉट जस्ट हम सिर्फ ना तो पुरुष आगे बढ़ सकते हैं बिना महिला के और ना ही महिलाएं बढ़ सकती हैं बिना दोनों पहिए हैं तो दोनों को साथ में ही चलना होगा क्योंकि अगर हम कंपेयर करें एक ज़माने को आज के ज़माने के साथ महिलाओं में आप कितना बदलाव महसूस करती हैं अगर हम बिल्कुल बहुत बदलाव है अगर हम कंपेयर करने लगें तो 20 साल पहले जब हमने
लॉ की डिग्री जब मैंने ली थी और जब मैं सबसे पहले कोर्ट में गई थी तब में और आज में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एडवोकेट फीमेल एडवोकेट्स देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल एडवोकेट्स. उसी से आई मीन एक मेल डोमिनेटेड करियर है ये प्रोफेशन है ये एडवोकेसी एंड यहीं पे ही आई कैन मतलब मैं आपको डिफरेंस बता सकती हूँ कि डेफिनेटली आज के दिन में यू नो लड़कियाँ बिल्कुल हम हर जगह पे ही देखते हैं कि कहीं कहाँ कौन सा प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे आज के दिन में लड़कियाँ नहीं हैं ना. तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क है, लोगों की सोच में भी बहुत फ़र्क है नॉट ओनली कि लड़कियां खुद कर रही हैं, उनके पेरेंट्स भी उन्हें बहुत प्रोग्रेसिवली उनकी हेल्प करते हैं. तो डेफिनेटली बदलाव आया है बट स्टिल अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ देखें तो हमें अभी बहुत कुछ सीखना है. बहुत और कह दीजिए कि और हमें बहुत कुछ सीखना है नॉट ओनली अबाउट इन द एजुकेशन फील्ड, हमें हर तरफ से सीखने की समझने की और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना है. जितने इनिशिएटिव अभी तक आपने लिए फिर चाहे वो आपकी हॉबीज़ को लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि आई गेस के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्वायरमेंटलिस्ट होना ये आपकी हॉबी से ही शायद शुरू हुआ क्योंकि आप शुरू से ही नेचर लवर रही हैं, तो आपकी इस इन थॉट्स को लेकर आपके जिस तरीके के विचार इन चीज़ों में रहे हैं उन विचारों से आपके जो परिवार वाले हैं वो कितना उससे सहमत रहते हैं और उनकी तरफ से आपको अब तक कितना सपोर्ट रहा है? देखिए कोई भी काम आप जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं है आप नहीं कर सकते. आपका कोई भी थॉट प्रोसेस हो, आप किसी भी कितने भी एम्पावर्ड हों बट परिवार का साथ में होना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली मेरे पिताजी मेरा खूब से मजाक उड़ा देते हैं बट स्टिल आई मीन इट्स हिज एजुकेशन एंड इट्स हिज बैकिंग ओनली दैट मेरा थॉट प्रोसेस उस तरीके से चला या चलता है ना. तो परिवार का तो साथ हमेशा ही रहा है. नॉट ओनली परिवार बल्कि आप कह सकते हैं कि जितने भी जो आउटर सर्कल होता है आपका ना, डिस्टेंट रिलेटिव्स हो गए और फ्रेंड्स हो गए, तो यू नो जो भी आपके आइडियाज़ के साथ जेल करते हैं एक्चुअली वही आपके सर्कल में रहते हैं. तो ना तो इट्स अ एनी पर्सनैलिटी एनी पर्सन इज अ कलेबोरेशन ऑफ द सर्कल दैट ही इज मूविंग अराउंड इन ना. सबका मिला जुला एक उनके ही उनके थॉट प्रोसेस का उनसे उन सब से आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है. खाली एक इंसान नहीं होता है ना, इट्स ऑलवेज सब तरफ से सबका सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस दैट मेक्स यू. That's what I feel. क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात कही थी कि महिलाओं को ही हमेशा विकास की धुरी कहा जाता है, तो एक विकास का जो या फिर कहे एक इनिशिएटिव जो अनुपमा जी से शुरू हुआ और वो उसका नेतृत्व कर रही हैं और अपने इस इनिशिएटिव के साथ वो पूरे आज समाज को, हालांकि इसकी जो शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से करी है और अब धीरे धीरे वो समाज की तरफ जा रहा है और निश्चित तौर पर वो एक समय में देश की ओर भी जरूर इसके इर्द गिर्द जो है वो जरूर घूमेगा. तो बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि आपने इस तरीके का इनिशिएटिव उठाया है पर्यावरण को लेकर जो हमारे इंडिया का एक गंभीर विषय है जिस पर सोचने विचारने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. आपके परिवार वालों को आप पे कितना गर्व महसूस होता है? इतना ही कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ से 10 लोग आसपास उठ के भाग जाएंगे क्योंकि मैं उन्हें पानी बचाने के लिए और गंदगी डालने के लिए तंग कर दूँगी. तो आई बिलीव दैट इज़ मुझे वो कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं लेती हूँ कि एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एज अ पर्सन हु विल teach them and you know spread the message about cleanliness and about resource conservation. So I think I'm my family is quite happy with you know these things. ठीक है. They're और fine. चलिए इसके क्योंकि शुरुआत तो आपने पहले ही बहुत पहले से कर दी है, अब आगे इस बारे में कुछ और आप बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, कुछ ऐसा आपने सोचा हो इन्हीं चीजों को लेकर? नहीं मेरा
मैं मेरे कोशिश है कि जितने भी चंडीगढ़ में इवेंट्स होंगे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी बात एग्जैक्टली तो अगर हम रोज़ फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट है देन वो इस तरह के इवेंट्स हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी में देन मैं कुछ टीचर्स के साथ बात कर रही हूँ जो तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों के साथ मिल के उनके अपने डिपार्टमेंट को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे तो उनसे हम उन्हें एक छोटी जगह देंगे अच्छा। जिससे वो केयर कर सकें जिसकी केयर करने से जब वो सुंदर उन्हीं की अपना ही डिपार्टमेंट वो सुंदर लगेगा तो आई थिंक अगर हम छोटा एक पंजाब यूनिवर्सिटी देन एक PGI जैसे छोटे छोटे यूनिट्स लेके अगर हम शुरुआत करेंगे तो मेरा विश्वास है कि है ना एक तो इससे थोड़ा स्पीडली ना तेजी से काम होगा एंड सेकेंडली सबको छोटी जगह को करने में आसान होता है और वो जल्दी से उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं तो आई होप कि हम इसे जल्दी एक मॉडल सिटी बना पाएंगे। चलिए मेरा एक आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि हम एक महिला हैं और हमें एक महिला होना सबसे ज़्यादा कब अच्छा लगेगा। आई एम अ प्राउड मदर एंड आई ऑलवेज मैं हमेशा से एक हमेशा से मुझे लगता है कि एक माँ जो होती है एक वुमेन जो होती है उसके लिए ये बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना उनकी तरक्की देखना बहुत गर्व महसूस कराता है तो उसी तरह से एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा शहर भी सुंदर हो सच में मेरा सपना है और ये आपका मेन मकसद भी है आपका मेन मोटिव भी है बिल्कुल और हम आशा करते हैं कि आपका ये जो इनिशिएटिव जो आप उठा चुकी हैं और ये जो आपका सपना है इस लक्ष्य को आप जरूर किसी ना किसी दिन अचीव जरूर करेंगी। अनुपमा जी अगर आप में कोई ऐसा सोशल मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगे फॉर द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग दिस आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू एंड आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जब भी अपने देश में आते हैं अपने देशवासियों को जो लोग आपको मिलते हैं जो भी आपके टच में आते हैं उन सबको वहाँ के किस्से सुनाते समय ये ज़रूर बताइए कि वहाँ पे लोग किस तरह से अपने देश के बारे में अपने अपने देशवासियों के लिए कितना उन लोगों के अंदर कंपैशन है और कितना वो लोग रिस्पॉन्सिबली अपने शहर को अपने घरों को क्लीन रखते हैं तो आई थिंक अगर हम आप लोगों का ये कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए सच में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा probably this is the best message that people who have gone out of country they can spread when they come back to India. Thank you very much. थैंक यू सो मच अनुपमा जी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपके जो विचार आपके जो थॉट्स हैं हमें काफ़ी इंस्पायर करते हैं एंड आई होप कि जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं वो भी इन विचारों पर अमल ज़रूर करेंगे। शुक्रिया थैंक यू गीत। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पृथ्वी पर जो महिलाएं होती हैं ना उनके बिना विकास जो है वो अधूरा है। एक और व्यक्तित्व एक और पर्सनालिटी कोफी अन्नान जो कहते हैं कि भविष्य जो है वो महिलाओं पर ही टिका हुआ है इनके बिना जो है वो विकास नहीं हो सकता है। ओवरऑल इन नटशेल यही कह सकते हैं कि महिलाओं को विकास की धुरी कहा जाता है तो इनके बिना विकास असंभव है। अनुपमा जी एक इनिशिएटिव के साथ आगे चल रही हैं नेतृत्व कर रही हैं एक बड़ा बदलाव लाने की जद में जुटी हुई हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सोच को बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी तो सब कुछ जरूर बदलेगा। फिलहाल आज के हमारे इस वी द वुमेन की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हम जरूर हाजिर होंगे सेम टाइम एंड सेम चैनल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और बने रहिएगा जस्ट हिंदी के साथ। नमस्कार।